एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ आज मैच देखने के लिए। जैसे पिछले साल भी गई थी तो इस साल भी मेरे को मौका मिल गया। और ये रहा टिकट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोलकाता के साथ आज सनराइजर्स हैदराबाद का होगा। तो चलो देखते हैं कौन जीतेगा। आप लोग किसको सपोर्ट करते हो आप लोग कमेंट पे बताना, और मैं आगे बताऊंगी कि मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ। तो चलो निकलते हैं, और 7:30 बजे से गेम है। मैं आप लोग को डिटेल्स में बता दूंगी कहाँ पे पार्किंग जोन है, कहाँ से एंट्री होगा सब कुछ, और ईडन गार्डन भी आप लोग को दिखाई दूंगी, और रिंकू सिंह को भी देखने मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। तो चलो मैं निकलती हूँ, तब तक के लिए टाटा। सो गाइज फाइनली पहुंचने वाले थोड़ी देर में, पहुंच भी गए। यहाँ पे फ्री पार्किंग जोन है, आप यहाँ पे रख सकते हो, और एक पेड भी पार्किंग जोन है। तो मैं फ्री वाला में रखी हूँ, और यहाँ पे KKR का मैं खरीद रही हूँ रिबन, जो कि 10 रुपया करके पड़ा। अभी गेम स्टार्ट होने ही वाला है, और यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखना। गाइज आप लोग देख सकते हो मेरे सामने में ईडन गार्डन ऑल गेट्स बैनर पे लिखा हुआ है, तो उधर पे जाना है। और मैं अभी मेरे गाल पे लिखवा रही हूँ KKR, जो कि सबको लिखवा भी रहा है, और मैं KKR को सपोर्ट भी कर रही हूँ, तो मैं भी लिखवा रही हूँ। पर अभी ये कलरफुल पेंट से पेंट से कर रहे हैं मेरे गाल पे, तो कैसा बन रहा है गाइज आप लोग प्लीज़ कमेंट पे बताना। पर मेरे को इस साल का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले बार ना वाइट ज़्यादा गाल पे हो चुके थे, तो ज़्यादा अच्छा लग भी नहीं रहा था, पर ये वाला ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट पे बताना कि कैसा लगा। और इधर पे गेट्स लिखा हुआ है 1 to 4, 4A and 5 to 12। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं, तो बहुत चलना पड़ेगा यहाँ पे। और मैं अपना गाल पे बना ली हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। तो चलो मैं KKR को सपोर्ट करूँगी। सो गाइज आप लोग कमेंट पे बताना कि मेरे गाल पे ये KKR कैसा लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा क्राउड भी है, ऊपर से आवाज़ भी हो रही है, और हम लोग को इधर पे जाना है। तो 1 to 4, 4A to 5, तो मेरे को 4A में जाना है। तो 4A का देखो इधर पे है, तो इधर से जाना है। पर आप लोग देखो कितना ज़्यादा क्राउड है, और ऊपर से बहुत ही अच्छा लाइटिंग वगैरह तो देख ही रहे हो सामने से। और ये रही मैं और मेरा आज का आउटफिट, आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताना कि मैं आज कैसे लग रही हूँ। तो चलो आप लोग अंदर की तरफ आप लोग को मैं ले के जाती। और गाइज ये सामने वाला गेट है ना, इधर से ही जाना है हमको चेकिंग करा के। पहुंच चुके बस 4A में, अभी चेकिंग होगा, चेकिंग के बाद अंदर चलेंगे। गेम स्टार्ट हो चुकी है, आवाज आ रही थी बाहर से ही, तो पहले चेकिंग करवा लेते हैं। सो गाइज फाइनली चेकिंग हो रही है, अभी चेकिंग कंप्लीट करके अंदर की तरफ आ चुके। यहाँ पे कितना सारा पोस्टर लगा हुआ है KKR का, तो चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। और गेम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी, क्योंकि आवाज आ ही रही थी। चार तल्ला में चढ़ते चढ़ते पूरा थक चुके है एकदम, फाइनली पहुंच चुके। और गाइज ये रहा फाइनल स्टेडियम का व्यू, आप लोग देख सकते हो। और गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो पहले मेरे को सीट खोजना है। तो चलो मैं अपना सीट खोज लेती हूँ। मैं ऊपर से आप लोग को दिखा रही हूँ, अभी तक मैं सीट पे नहीं बैठी हूँ, क्योंकि जाते आते आप लोग को सोचे मैं दिखा देती हूँ कितना देखो क्राउड हो चुकी है। और बहुत ही आज का गेम इंटरेस्टिंग होने वाला है KKR के साथ सनराइजर्स हैदराबाद का। और आज सुनने में आया है कि किंग खान भी आने वाले, तो गाइज आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी, और मैं भी पहली बार ही देखूंगी शाहरुख खान को इतना पास से। तो चलो गेम पहले लेते हैं मज़ा गेम का, उसके बाद किंग खान जब आएंगे तो मैं आप लोग को डेफिनेटली दिखाऊंगी। ऑलरेडी एक जन आउट हो चुका, तो सबका थोड़ा सा मूड खराब हो गया, पर कोई नहीं, अभी फिर स्टार्ट होगा और KKR जीतेगा। गाइज आप लोग को मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे दिखा देती हूँ व्यू। तो मैं जहाँ पे बैठी हूँ आज, तो वहाँ पे ना शैडो किया हुआ है, मतलब VIP वाला में मेरे को आज सीट मिला है, किस्मत अच्छा है। इसके पहले मैं उधर पे बैठी थी, जो कि शैडो नहीं है, बारिश हुई इसमें भींग भी सकते, पर आज का सीट बहुत अच्छा जगह पर मेरे को मिला है। तो गाइज अलाउ नहीं है बाहर से लाना, यहाँ पर नीचे में खरीदना पड़ता है। अभी ना
शाहरुख सर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टेडियम में हल्ला हो रहा है, तो आप लोग देखे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ और मैं अभी कंटिन्यू उधर ही देख रही हूँ, ज़्यादा दूर पे है नहीं, जस्ट पास में ही है। गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि KKR बहुत अच्छा खेल रहा है, ऊपर से मैं शाहरुख सर को भी देखी हूँ और अभी 2.5 मिनट का अभी ब्रेक हुआ है तो अभी देख रहे हो फील्ड साफ हो रही है और यहाँ से ना गाइज शाहरुख खान जहाँ पे बैठे हुए हैं ना वहाँ पे दिख रहा है कॉर्नर के ही, तो मैं कंटिन्यू उधर पे ही देख रही हूँ गेम छोड़ के, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिख रहे थे। तो चलो मैं अभी नीचे आई हूँ टिफ़िन लेने के लिए, तो मेरे को मिला यहाँ पे कॉफ़ी जो कि 50 रुपीज़ में, और 50 रुपीज़ में वो पॉपकॉर्न भी मिला है। और गाइज यहाँ पे ना शाहरुख सर फिर से बैल्कनी में आए हैं, आप लोग देख सकते हो व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन के, तो मैं कंटिन्यू वहीं पे देख रही थी, एकदम पास में ही है और कुछ भी अंदर पे भी AC रूम पे कर रहे तो यहीं से दिख रहा है, तो मेरा तो ध्यान उधर पे ही है। और अगर आज KKR जीता तो पक्का सर रोटेट करेंगे फील्ड को, तो मैं और आप लोग को नज़दीक से दिखाऊंगी, आप लोग भी प्रे करो कि KKR जीत जाए। तो चलो KKR तो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, तो देखने में और आगे इंटरेस्टिंग लगेगा कि सनराइजर्स हैदराबाद कैसा बैटिंग करेगा, पर अभी KKR जीतना चाहिए आज क्योंकि शाहरुख सर को मेरे को देखना भी। गाइस अभी रिंकू और रसल का गेम हो रही है और हम अभी देख भी रहे इधर पे, पर शाहरुख खान सामने में है तो मेरा कंटिन्यू उधर पे आ जा रहा है, जो भी इतना पास है तो हम देख पा रहे हैं शाहरुख खान को, तो वही बहुत बड़ी बात है। और गाइज अभी रिंकू सिंह और रसल दोनों का बैटिंग चल रहा है, सामने में ही दिख रहा है, तो बहुत ही मज़ा भी आ रहा है दोनों को एक साथ बैटिंग करते हुए, और ऊपर से शाहरुख सर भी आए हुए तो और अलग ही माहौल बन चुका है ईडन गार्डन पे, और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि ये लोग चौका और छक्का मारे जा रहे और हम लोग चेयर अप कर ही रहे हैं। गाइज रिंकू सिंह ना आउट हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, पर KKR जीते। और गाइज अभी ब्रेक हो चुकी है तो अभी देख रहे हो कमेंट्री हो रही है सामने में, ये सब हम लोग TV पे देखते हैं, इतना पास से मैं देख रही हूँ और सुनील सर यहाँ पे अभी बोल रहे थे और मैं किससे मिली आप एक बार देखो। हेलो क्या गाइज अभी भूख लगी थी तो मैं ये पापड़ी चाट लाई हूँ 50 रुपीज में, और गेम स्टार्ट हो चुका है सनराइजर्स हैदराबाद का, और गाइज अभी KKR के साथ सनराइजर्स हैदराबाद का तो चल ही रहा है, पर अभी बैटिंग कर रही है सनराइजर्स हैदराबाद, तो देखते हैं कौन जीतेगा। और मेरे सामने में रिंकू जी जो कि बहुत ही फेमस अभी हो चुके हैं, तो ये सामने में है और देख सकते हो यहाँ पे लाइट्स ऑन और ऑफ हो रहे हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पे सामने में रसल भी दिख गया मेरे को, यहाँ पे एकदम पास में ही है, तो KKR ही जीतेगा। और अभी फिर से 2.5 मिनट का ब्रेक हो चुकी है और फील्ड भी अभी साफ हो रही है। तो फाइनली गाइस KKR जीत चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन KKR, आप लोग भी कमेंट पे बताना। और अभी सब प्लेयर्स लोग एक दूसरे को हैंडशेक करते, वही वाला प्रोसेस चल रही है। फाइनली KKR जीत चुका है और बहुत ही खुश है, निकलेंगे थोड़ी देर में। और गाइज आप लोग देख सकते हो सामने में शाहरुख सर आ चुके हैं, अभी प्लेयर्स लोग के साथ बात कर रहे हैं, तो इधर पे आएंगे डेफिनेटली और आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो अभी इधर पे एंकरिंग भी चल रहा है और शाहरुख सर अभी एंकर लोग के पास आ रहे, देख रहे हो इधर पे भी बात कर रहे हैं, व्हाइट कलर का जो पहने वही है शाहरुख सर, इतना सामने से मैं देख रही हूँ, बिलीव भी नहीं हो रहा है, इतना सामने से पहली बार मैं देखी। और
केकेआर भी जीता, ऊपर से शाहरुख सर को ही मैं देख पाई, तो दोनों डबल खुशी मेरे को आज मिली, बहुत ही अच्छा लगा। और देख लो कितना क्राउड चला तो गया था, क्योंकि सबको सोचने लगा था सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हार गया और केकेआर जीत गई। और केकेआर बहुत अच्छा खेला था, और शाहरुख सर सामने में देख रहे हो फ्लाइंग किस देते हुए, ये सब तो मैं टीवी में देखती थी, पर आज मेरे आंख के सामने में शाहरुख सर जा रहे हैं वेव करते हुए, और देख सकते हो आप लोग भी। वाह, आज तो मेरा दिन ही बहुत लक्की था, और इतना एक्साइटमेंट क्या ही मैं बोलूँ, इतना अच्छा लगा। और मेरे को लग रहा है कि मैं देखते ही रह जाऊँ, सिर्फ देखते ही रह जाऊँ, इतना पास से मैं शाहरुख सर को देखी हूँ। तो चलो, बहुत ही अच्छा लगा, आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। गाइस, फाइनली शाहरुख खान को देखिए, इतना सामने से, मतलब डायरेक्ट तो नहीं पर बहुत सामने से देखिए, तो मैं घर जाकर अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी, बहुत ही अच्छा लगा, बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश और कितना लकी हूँ। सो गाइज, फाइनली गेम देखना हो चुका है, फाइनली मैं निकल चुकी हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो स्पोर्ट्स इंडिया जो कि एंकरिंग कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू दी हूँ, पर मेरा इंटरव्यू कोई रिकॉर्ड करने का था नहीं, तो मैं नहीं कर पाई, पर सच में मैं दी हूँ। बहुत अच्छा लगा कि वो लोग भी मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं रिप्लाई की, तो चलो मैं घर जाके आप लोग को अच्छे से एक्सपीरियंस बताऊँगी। तो गाइज, मैं फाइनली घर वापस आ चुकी हूँ, और फ्रेश भी हो चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा रात भी हो गया है, क्योंकि गेम ही स्टार्ट हुआ था 7:30 बजे से 12 बजे तक। तो गाइस, आज का दिन मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, बेस्ट एकदम, मतलब आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, एकदम लकी दिन था। मैं शाहरुख सर को इतना पास से देखी, और पूरा गेम शाहरुख सर थे, तो कभी बैल्कनी में आ रहे थे, कभी फील्ड में आए, तो मैं सब जगह पे उनको ही वॉच कर रही थी। और मेरा जिस जगह में गाइस सीट था ना, वहां से शाहरुख सर का जो अंदर वाला रूम है, एसी का कांच था व्हाइट कलर का, तो उसके अंदर में भी दिख रहा था कि क्या कर रहे नहीं कर रहे सब कुछ, तो मैं गेम छोड़ के वही पे देख रही थी। और आते वक्त स्टार स्पोर्ट्स जो टीवी है, मतलब चैनल है, उनका भी इंटरव्यू मैं दी, तो मेरा ना उस टाइम पे अचानक से वो लोग आ गए थे कैमरा लेके और पूछने लगे, तो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर वो लोग पूछ रहे थे कि आपको गेम कैसा लगा, आपको सबसे अच्छा किसका गेम लगा, तो मैं तो बताई रसल का, क्योंकि रसल सच में बहुत अच्छा गेम किया था, खेला भी था, उसके बाद तो रिंकू सिंह जो भी है, पर रसल बहुत अच्छा खेला था। तो उस टाइम पे ना मैं अफसोस कर रही थी कोई मेरा वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि था ही कोई, और मैं निकली तो अचानक से वो लोग सामने में आ गए, तो कोई नहीं, चलो मैं इंटरव्यू दी स्टार स्पोर्ट्स चैनल में भी, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आप लोग प्लीज कमेंट पे बताना कि आप लोग किसको सपोर्ट किए। तो चलो गाइस, मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, और अच्छा रहे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा, और केकेआर जीत गया।